लोकल और ग्लोबल दोनों। एकदम देसी स्टाइल फूड बट विथ गोरा ट्विस्ट। ओनली ऑन Aplus। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। उम्मीद आप ठीक ठाक होंगे। और मैंने सोचा इस दफा कि हर दिन एक ऐसा ब्रेक आप लोगों को दिया जाए जो कि आप कम से कम किचन का इस्तेमाल करें। और ये डजंट मीन कि ये रेसिपी देख के आपके घर में सिर्फ यही बन रहा होगा, लेकिन एटलीस्ट एक आइटम कम बन सकता है। बहुत से लोग रेसिपीज फ्राइड की डिमांड है ही है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि हेल्दी रेसिपीज मांगते हैं। सैलेड का बहुत सवाल है कि जिस सैलेड बनाई जाए। मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूँ यहाँ पर, मैं एक मिनट लूँगा। आई थिंक अहमद आपका मैसेज आया हुआ था हेल्दी रेसिपीज का, और अनवर आपका था। आते भाई ने कहा था कि ऐसी रेसिपी बने जो कि कीटो। अच्छा बॉस, कीटो तो मैं यहाँ नहीं बनाऊंगा क्योंकि कीटो देखने वाले बहुत कम लोग हैं और बहुत कम लोग उसको खाते यूज करते हैं। बेसिकली हाई प्रोटीन डाइट, और मैं पर्सनली खुद इसके लिए बहुत ज़्यादा हामी नहीं हूँ, लेकिन इंशाल्लाह कभी शेयर जरूर कर दूंगा उन लोगों जो शो देख रहे हैं। कीटो इट्स लाइक हाई प्रोटीन, इसमें कहते हैं बीफ खाएं, मीट खाएं, क्रीम है, चीज़ है, बटर है, डबल रोटी से, ब्रेड से, आटे से, इन चीज़ों से ज़्यादा परहेज कराते हैं। परहेज का शदीद बंद होता है तो, बट आज वो नहीं है। लेकिन हाँ, बात हो रही थी सैलेड की। जैसे अनवर ने कहा था कि सैलेड बनाएं लेकिन हेल्दी हो, और लेकिन कुछ चाहिए क्रीमी। पाइनएप्पल सैलेड का उन्होंने हवाला दिया हुआ था। अच्छा, सैलेड के बारे में बता दूँ कि सैलेड एक बड़ा एक हमारे यहाँ जो टर्म सैलेड यूज़ होती है थोड़ा सा हमारे यहाँ क्या दुनिया भर में लोग कहते हैं हम जी वज़न कम नहीं हो रहा, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, सैलेड खा रहे हैं। जब सैलेड जहन में आता लगता है बड़ा अच्छा ईट हेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, तो होता ये है कि सैलेड डजंट रियली मेक अ डिफरेंस अनलेस कि उसके अंदर ड्रेसिंग किया गई है। आज जो मैं सैलेड बना रहा हूँ वो ज़्यादा क्रीमी सैलेड है। जब भी आप कोई सैलेड जिसमें क्रीमी हो, क्रीमी मीन्स क्रीम कैसे होती है, इधर क्रीम डली हुई हो, मेयोनीज हो, या कोई ऐसा चीज़ जो कि गाढ़ी हो, तो समझ जाए कि इसके अंदर वो हेल्दी नहीं होती। हेल्दी कम्स टू हेल्दी ऑलिव ऑयल, विनेगर, इस तरह की ड्रेसिंग हो, बहुत लाइट ड्रेसिंग हो, तो वो सैलेड बनती है। सैलेड का डजंट मीन कि उसमें मीट नहीं है, आप मीट भी डाल सकते हैं। लेकिन आज मैं बहुत ज़बरदस्त सैलेड बना रहा हूँ, और ये सैलेड हर घर में आसानी बन सकती है इजीली। आपको चाहिए पास्ता, मैक्रोनी आप ले लें, जो पास्ता आपको पसंद है शेप का। मेरे पास यहाँ पे शेल पास्ता है, पहने ये थोड़े से लंबे होते हैं। अच्छा, एक खास बात, इसको आप उबाल के रख लें, बेशक इसको आप एक साथ उबाल लें, दो तीन दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं। उबालते वक्त ये ध्यान रखिएगा कि मैं किसे उबालता हूँ। ये देखें, खास चीज़ मैं दिखाऊँ कि अभी मैं किसी के गया हुआ था अफ्तार पे, तो उन्होंने वो मैक्रोनी सैलेड थी, यकीन करें सारी सैलेड इस तरह थी, ये इस तरह से हुई हुई थी। इट डजंट, अच्छा ये मतलब नहीं कि उन्होंने काट के रखी हुई थी, इतना उन्होंने उबाल दिया था कि वो हलवा बन गई थी। सैलेड जो पास्ता का मज़ा है ना, वो उसकी जो टेक्सचर है, जब खड़े खड़े होते हैं जब भी आते हो कैसे आएगा। पास्ता उबालने के लिए आपको लस से एक पैकेट लेना है पास्ता, 3-4 लीटर पानी लें। खूब पानी में कंजूसी नहीं करें, पानी फेंक देते हैं, ज़ाया कर देते हैं, हम जो डिश वॉशिंग कर रहे होते हैं उस वक्त ज़ाया कर देते हैं। लेकिन जब पास्ता उबालते हैं तो हम पानी बहुत कंजूसी से यूज़ करते हैं। 3-4 लीटर पानी, उसमें 2-3 टेबल स्पून नमक ज़्यादा नहीं होगा, ट्रस्ट में, उसमें आप उबलते पानी में पास्ता डालें, ऑयल की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक उबालें कि इसमें हल्की सी कसर है, निकालें, ठंडे पानी में डालें, और फिर उसको आप सेव कर लें हल्का सा ऑयल लगा के, बेशक पैकेट बना लें, 2-3 दिन फ्रिज में ख़राब नहीं होंगे। तो यहाँ पे मैंने यही किया हुआ था, तो एक ही दफ़ा उबाल के आपने रख लिया है। ये फर्स्ट क्लास पास्ता आपके हैं, देखें कुछ चिपका हुआ भी नहीं आपस में, और फर्स्ट क्लास खड़े खड़े पास्ता है, तो ये मैं यूज़ करूँगा। अच्छा, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें कुछ इसमें चीज़ें डालनी। अच्छा, बाद में बना क्या रहे हैं, सवाल तो सबका ही होना चाहिए, बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं पास्ता सैलेड। और पास्ता सैलेड के लिए कि अच्छा मैं कोशिश करूँगा सब्जियाँ इतनी ही लंबान में काटूँगा, जैसे लंबान में ये है तो चीज़ें खूबसूरत लगती हैं जब एक जैसी उसकी कटिंग हो, और बहुत मोटी नहीं, ताकि आपके एक एक बाइट में वो हर चीज़ आ जाए। सही जी, एक ही बाइट में आपके आ जाए। और यहाँ पे मैं कोई मुझसे पूछेंगे हिसाब कितना, अगर मैं 2 कप पास्ता ले रहा हूँ तो अब उससे थोड़ी सा अगर डिपेंड करते हैं, मेरी शिमला में जो है बड़े साइज़ की थी, मैंने आधी से भी थोड़ी कम यूज़ की है, अब आप जितना यूज़ करना चाहें। ये हम यहाँ ले लेते हैं, और खीरा। अच्छा, खीरे को एक काम करेंगे, थोड़ा सा काट के, अच्छा एक ज़माना था खीरे का लोग यूँ करते थे,
मैं क्या कह रहा हूँ? ये करोड़ नहीं निकलेगा बॉस। क्या साइंस है कि ये साइंस को समझाए मुझे कि करवाहट यहाँ से निकल के यहाँ से कैसे निकल जाएगी। बट वो एक टोटके थे लोगों के, अभी भी किसी ने मुझसे कुछ दिन पहले जिक्र किया था, यार ये आपको पता है? मुझे पता है सीक्रेट, कड़वा नहीं होता बॉस। कड़वा यूँ नहीं होता कि कड़वे अब जो है वो चाइनीज, या बल्कि चाइनीज नहीं कहूँगा, जो हाइब्रिड जो सीड्स आ गए वो शक्ल इनकी अच्छी होती है, इनका साइज अच्छा होता है, जो कड़वाहट है या बीज है वो सब चीज़ें खत्म कर दी गई हैं। ये साइंस ने टिक टिक बहुत तरक्की कर ली है। पहले की खीरे याद होगा आपको, बहुत छोटे होते थे, टेढ़े होते थे, अंदर सुराख होता था, कीड़ा होता था, कड़वे होते थे। इवन करेला, फॉर द सेक करेला, कितना अच्छा कड़वा करेला आता था। मैं कहता हूँ कि करेला अगर वो कड़वा ना हो तो उसके करेला खाने का मज़ा नहीं है, करेला हो वो भी नीम चढ़ा तो जब मज़ा आता है। बैनी में तो यहाँ पे अब ऐसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी निकल आता है, बेहतर है एक पीस चख लें कि कहीं कड़वा ना हो। लेकिन मुझे तो याद नहीं पड़ता कि कोई काफ़ी सालों से मुझे कड़वा करेला मिला हो, सॉरी खीरा मिला हो। अच्छा यहाँ पे आधा खीरा, आई थिंक विल गो लॉन्ग वे। अच्छा काम करेंगे इसको, पहले तो मैं, अच्छा मुझे आई लाइक कि अच्छी से धो ले तो काफ़ी है। आप चाहते हैं छीलना, इसको पूरा छील लें, सही जी? तो मैं यहाँ पे इसको, आप पीलर से छीलें, मैं उतना ही बारीक छीलूंगा छुरी की मदद से, और या ना छीलें तो मैं इसको खीरे को, अगर मुझे कम लगेगा मैं थोड़ा, देखिए मैंने वेस्टेज नहीं किया, व्हाइट पार्ट बिल्कुल नहीं लिया, जस्ट वेंट टू ग्रीन पार्ट, वो निकाल लिया आपने अगर आपको शौक है। अच्छा यहाँ पे एक काम कीजिएगा, ये चूंकि पानी छोड़ देता है तो बीच का हिस्सा जो सीड वाला हिस्सा है इसको आप घर पे हो तो क्या करें, ये स्पून लें, स्पून से इसको ये, अब ये आप इसको किसी भी चीज़ में डालेंगे पानी नहीं छोड़ेगा, तो बेहतरीन ये है कि आप खीरे को बगैर सीड के यूज़ करें, अगर सैलेड में यूज़ कर रहे हैं तो आपको चाहिए कि सैलेड अगर रनी ना हो। इसको भी मैं इन दिस केस मैं लंबान में काट रहा हूँ। सही क्या होगा, आप जब सैलेड की खास बात ये है कि इस सैलेड में आपको हर बाइट एक डिफरेंट एक टेक्सचर देगा। आप बाइट इन करेंगे आपको यहाँ सॉफ्टनेस मिलेगी, इसका क्रंच आएगा, खीरे की ठंडक, खीरे की जो ठंडक है ना वो बड़ी मजा आ रहा है। अच्छा हाँ एक और बात ठंडक याद आया कि प्लीज़ काइंडली जितना भी आप सैलेड बनाएं, जो बनाएं, मेक श्योर सैलेड या कोल सैंडविचेस उनको ठंडा सर्व होना चाहिए, सही जी? यहाँ पे मैं ये कर लेते हैं, टमाटर के साथ भी हम यही करेंगे कि टमाटर का मैं बीच का हिस्सा निकाल लेता हूँ, ठीक है? ये देखें मैं निकाल लेता हूँ। आज लगता है बातें बहुत हो गई हैं, मुझे इशारा आ रहा है ब्रेक का, तो आपसे कहूँगा कहीं मत जाएगा, लेते हैं ब्रेक, और मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। ओके जी, मैंने यहाँ पे ब्रेक से पहले मैंने काट के रख लिए थे इसके बीच से, आपने आधा टमाटर ले एक लें जितनी आपकी मर्जी है, जैसे तुम यू नो टमाटर का आपने छिलका यहाँ पे गुदा निकाल लिया, और टमाटर को आपने बारीक बारीक स्लाइस कर लेना। अगेन हमारी कोशिश है कि हर चीज़ हमारी एक जैसी कटी हुई हो। ये आपने ले लिया गाजर, एक छोटा टुकड़ा गाजर का, इसके भी हम अगेन मैं कोई चीज़ बहुत ज़्यादा तादाद में नहीं ले रहा, सही? ये ना कि सब्जियाँ बहुत हो जाए फिर लोग खाते नहीं है। इसको आपने एक जैसा काटने के बाद इसके भी आप स्टिक्स काट लें, सही जी? ये आपने काट ली, ये आपकी तमाम चीज़ें यहाँ आ गई हैं। अब आप क्या करेंगे, पास्ता, पास्ता लेते और उसके अंदर जो चीज़ें पड़नी है बहुत इजी है, नमक थोड़ा सीजनिंग के लिए, वाइट पेपर, एक दो चुटकी वाइट पेपर, अगेन आपको बहुत पसंद है और डाल दें, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ वाइट पेपर। अच्छा जी अब हम क्या करेंगे, इसको वी कीप इट वेरी लाइट, मतलब लाइट में स्पाइसी रखेंगे। इसमें हम डालेंगे नेशनल की क्लासिक मेयो, नथिंग लाइक गुड ओल्ड मेयो, तो मुझे वो बहुत मीठी वाली नहीं पसंद है, तो दिस व्हाट आई प्रेफर कि ये आप ले लें। कितनी डालेंगे मुझे नहीं पता यार, आई एम गोना यूज आई बॉल कि बस हर चीज़ मेरी क्रीमी हो जाए। ये आई वुड से मेरे अंदाजे से मैं इसमें कोई 3-4 टेबल स्पून ले रहा हूँ, 4 टेबल स्पून। अच्छा जी
और जनाब केचप, नेचुरल केचप जरूरी है। अगर आपको रिच कितना रिच टोमेटो टेस्ट चाहिए मजेदार किस्म का, खासकर बर्गर्स पे। अच्छा वो लोग बर्गर्स का केचप को यूज कर रहे होते हैं तस्वीरों में, मुझे लगता है कि हम केचप हमारी वो निशान है जो कि आई नो मैनी पीपल जो कि शामी कबाब और दाल चावल को भी केचप के साथ खाते हैं। तो बट एनीवे नेशनल केचप यहाँ पे फुल डिलीशियस और कहते हैं थिक एंड टेस्टी केचप। तो ये इसमें केचप थोड़ा सा, ये भी कोई 2-3 टेबल स्पून डाल देंगे। सही जी, ये आपने लिया, इसको आप अच्छी तरह से मिक्स करके ये आपकी क्विक सैलेड तैयार हो गई है। जबरदस्त, इसको मैं निकाल लूंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं इसको निकालने के लिए बोल लेके आता हूँ और मैं बनाऊंगा एक बहुत जबरदस्त टैंग कॉकटेल। ओके जी, इसको आप गुड। अच्छा प्लीज घर में आपने ठंडा करना है इसको, मैं फिर जितना कहूँ उतना कम, आपने खूब ठंडा करके इसको सर्व करना है। एंड ट्राई एज यू गो, जो मेरी बचपन की ट्रेनिंग थी, क्लीन एज यू गो, हाथ के हाथ क्लीन कर लेते हैं। और क्लीनिंग के लिए नथिंग बेटर देन लेमन मैक्स। लेमन मैक्स कहता है कि ये जो लेमन मैक्स की पेस्ट है, ये वाला लेमन मैक्स पेस्ट बेहतरीन। तो आई प्रेफर लेमन मैक्स पेस्ट, उसकी वजह ये कि लेमन मैक्स पेस्ट जो है आपके बर्तनों को बहुत अच्छा साफ करता है। ना सिर्फ बर्तनों को, वो बर्तन जिसमें आप फ्राई कर रहे हैं, ऑयल ग्रीस लगा हुआ है, चूल्हे को, फ्रिज को, आई मीन ऐसे मेटल्स जो कि बाजबा, ट्रस्ट मी हमारे घर में तो वो ज्वेलरी भी जो सिल्वर ज्वेलरी होती है वो उससे साफ हो रही होती है। इस लेमन मैक्स पेस्ट की खास बात जो है ना, जो मुझे अच्छी लगती है, इसमें वेस्ट कुछ नहीं है, जीरो वेस्ट। मतलब जो आपका जो गिरेगा वो भी इसी में रहेगा, वो आप यूज कर सकते हैं। अमूमन जो आप जो बाहर लेके आते हैं उनमें वेस्ट बहुत होता है, क्या नहीं सीरियस, फर्स्ट क्लास, अच्छा मकदार। इसको मैं वाइप कर लूंगा बाद में। इसका जो 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 कंटेनर है उसकी खास बात है, कंटेनर को भी आप री यूज कर सकते हैं, उसके अंदर कुछ भी ज्वेलरी बॉक्स बना लें, इसको कीड़े रख लें, उन चीजें फैली हुई होती घर में, ऐसा स्टोरेज भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा एक ड्रिंक, और ड्रिंक के लिए ओह आएगा बर्फ, थोड़ी सी बर्फ लेंगे। अच्छा मशीन में ना बर्फ बहुत, कोशिश करें बहुत बड़ी ना डालें, अगर वो क्रश हुई भी तो अच्छी बात है, थोड़ा सा क्रश कर लें अंदर से, काफी मशीन तेज हो। मुझे पर्सनली बर्फ, आई लाइक लॉट्स ऑफ बर्फ, तो मुझे थोड़ा सा उसमें पानी तो डालना ही था, पहले से डाल देता हूँ पानी। ये डाला आपने पानी थोड़ा सा, अब एक बड़ी जबरदस्त चीज डालना, कहेंगे हाय ये क्या कर रहे हैं साहब भाई, हम बना रहे हैं टैंग कॉकटेल। खरबूजा, किस घर में खरबूजा नहीं, आजकल हर घर में अमून खरबूजा आया हुआ होता है। तो मैं कोई आधा कप के करीब खरबूजा मैंने ले लिया। टैंग इधर गया, टैंग इधर गया, वन ऑफ माय फेवरेट। अच्छा ये होगा क्या, ऑरेंज फ्लेवर बेहतरीन फ्लेवर है, और इसको जो थिकनेस मिलेगी खरबूजे की मिलेगी, खरबूजे का भी अपना मजा है वो आएगा, इट मेक्स इट वेरी क्रीमी, जरूर ट्राई कीजिएगा मेरे कहने पे। ये लिया आपने कोई भर के, ओह आई वांट दैट रिच, मुझे रिच ऑरेंज का फ्लेवर चाहिए, मुझे मैंने भर के डाला है। अच्छा टैंक की खास बात ये कि टैंक जो है ना, ये गर्मी में आजकल लू चल रही है बेहतरीन है लू को मारने के लिए। आज तक तो रोज़ है लेकिन अगर लू चल रही है बेहतरीन है, बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, मर्द हजरात या खवातीन काम से आ रही हैं, एनर्जी आपकी लो है, यू फीलिंग लो, गो फॉर टैंग। रोजे में बेहतरीन है कि इफ्तार के बाद आपको क्विक एनर्जी के लिए टैंग आपके लिए बेहतरीन है। डिफरेंट फ्लेवर्स में आता है, पाइनएप्पल है, वन ऑफ माय फेवरेट लेमन पेपर है, मौसम्बी है, आम है, आई मीन यू नेम इट एंड दे हैव इट। सो चलाएंगे और मैं बस करता हूँ। हाय 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 हाय, ये ऐसा स्लश बना है, चेक दिस आउट, ये देखें किस तरह गिर रहा है, ये ओए होए होए, ये है इसका मजा, क्या परफेक्ट, कैन यू बिलीव दिस, कि नाप देखें कुछ वेस्ट नहीं हुआ, जीरो वेस्ट। ये था आज का शो, उम्मीद आपको पसंद आया होगा, ट्राई एट होम और बताएं मुझे कैसा बना है। इनबॉक्स ना करें प्लीज, वैसे ही मैसेज में लिख दें कि आप क्या देखना चाहते हैं। और YouTube पे भी है,
अगर आपको कुछ चीज़ मुझसे आती है तो यूट्यूब पे जाके इसको देख लें, ए प्लस के जो चैनल आप सर्च कर दें शहजादत ए प्लस, वैसे शहजादत भी देख लें, आपको मैं भी कहीं ना कहीं नजर आ जाऊँगा वैसे भी। डू लाइक माई पेज ऑल्सो शहजादत का फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे, और आपको नई रेसिपीज मैं वहाँ पे भी मिलेंगी, मेरा चैनल जो है यूट्यूब पे उस पर, और दूसरे हजरात हैं वहाँ पे आप रेसिपीज चेक कर सकते हैं। बट अगेन मुझे लगता है कि दिस विल कॉम्प्लीमेंट, बहुत मज़ेदार ये जो कॉकटेल बनाया हमने टैंग कॉकटेल, इसको ट्राई कीजिएगा। अमूमन हम फंस जाते हैं कि बाय बुक कि जी टैंग तो बनेगा सर ऐसे ही, सदा सारा चीज़ें बना सकते हैं आप, टैंग को मिक्स कर सकते हैं मौसम्बी को और पाइन एप्पल के साथ, इवन आपस में फ्लेवर्स का मिक्स करके बनाएं तो बड़ा अच्छा मॉकटेल कॉकटेल बना सकते हैं। कोई डिफरेंट प्रोडक्ट आपको लगती है दो तीन चीज़ों को मिला के, कभी कभी इतने अच्छे कॉम्बिनेशन बनते हैं आप सरप्राइज हो जाएंगे। नहीं इस शो पे मैं कोशिश करूँगा आपको तमाम कॉम्बिनेशन जो मुझे याद हैं या याद रह जाएंगे या कम अप विद सम न्यू कॉम्बिनेशन आपसे मैं शेयर करूँगा टैंक के हवाले से। बाय द वे तो आज सोचा था कि नो कुकिंग वाला दिन होगा, तो आज मैंने चूल्हा नहीं चलाया है, आज ठंडे ठंडे में काम किया है। तो उम्मीद आपको शो पसंद आया होगा, आपसे जा लूँगा इस वादे के साथ कि फिर मुलाकात होगी इसी शो पे किसी ज़बरदस्त और नई क्विक रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।